जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को एग्जाम डेट से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। JSSC CGL के एग्जामिनेशन डेट के बारे में बताऊंगी और JPSC के नोटिफिकेशन के बारे में भी आपको बताने वाली हूँ। तो मेरा आज का जो क्लास है आप पूरा देखेंगे, काफ़ी इंफॉर्मेटिव क्लास होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों को झारखंड के जनरल स्टडी की तैयारी कराती हूँ और झारखंड के GK झारखंड में आयोजित होने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा वेटेज होता है और मैंने आपकी तैयारी जो है काफ़ी हद तक करा दी है। इस क्रम में बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र हैं जो टाइम टू टाइम चैनल के साथ जुड़ते गए। लगभग 71,000 स्टूडेंट जो हैं वो चैनल स्टडी विद स्मृति के साथ जुड़ गए हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ जुड़ने के लिए और आप समय समय पर आप मुझे हौसला देते रहते हैं या आप मुझे ये बताते रहते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है ताकि मैं उस पर आप लोगों को कंटेंट देती हूँ या वीडियो प्रोवाइड कराती हूँ। तो आपके प्रश्न इधर लगातार मुझसे पूछे जा रहे थे JSSC CGL के एग्ज़ाम डेट को लेकर के और JPSC के नोटिफिकेशन को लेकर के, क्योंकि जब आप अपनी तैयारी करते हैं तो लगातार तैयारी करने के बाद आपको जब थकान महसूस होती है और जब आप ये चिंता में रहते हैं कि एग्ज़ाम डेट कब आएंगे, क्योंकि आपकी तैयारी काफ़ी हद तक हो चुकी है, तो आप मुझसे प्रश्न पूछते हैं या तो आप मुझे फ़ोन लगाते हैं नहीं तो मैसेज के माध्यम से आप मुझसे प्रश्न करते हैं। तो मुझे भी आपका रिप्लाई करना होता है, मैं आपको रिप्लाई करती हूँ नो आइडिया, क्योंकि मैं आपको किसी भी र्यूमर में डालना नहीं चाहती, क्योंकि सही में मेरे पास इसका कोई आइडिया नहीं रहता है कि एग्ज़ाम डेट कब होंगे। मैं हमेशा से आयोग के द्वारा दिए जा रहे जो भी जानकारी है मैं उस पर विश्वास रखती हूँ और सरकार अगर कोई जानकारी देती है तो मैं उस पर विश्वास रखती हूँ, ना कि किसी अन्य सोर्स की जो कि आपको ये इन्फॉर्म करते हैं टाइम टू टाइम कि जून के लास्ट वीक में आ जाएगा, जुलाई के लास्ट वीक में आ जाएगा, तो मई में एग्ज़ाम के डेट आ जाएंगे या फिर अगस्त के लास्ट वीक में एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा। तो ये ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं देती हूँ, इसके लिए मैं कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ। लगातार मैं ये प्रयास करती हूँ चैनल के माध्यम से कि आपको हमेशा अवेयर करते रहूँ जानकारियों में कि आपको कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर के चलो वो सारे कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ जो आपके एग्ज़ाम को से रिलेटेड है। लेकिन अब समय आ गया है आपको ये जानने का कि एग्ज़ाम डेट कब आएंगे, आपको ये जानने का कि JPSC का नोटिफिकेशन कब आएंगे। तो देखिए, मैं किसी अन्य सोर्स पे भरोसा नहीं रखती, हमेशा सरकार की बातों पे यकीन रखती हूँ और आयोग के बात पे। तो हम लोगों को जो प्रश्न जो आपसे आप मुझसे पूछते हैं तो ये प्रश्न मुझे सरकार से पूछनी है। आप जो हैं आप सभी के प्रश्न जो हैं उसका उत्तर मैं करना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ये प्रश्न को सरकार से पूछूं और आपके प्रश्न हैं तो आप भी मुझसे कनेक्ट हैं और आपकी समस्या है तो मेरी भी समस्या है, तो इस समस्या को मैं बहुत ही ज़ोरदार तरीके से रखना चाहती हूँ। तो मुझे कुछ दिन पहले ये बात पता चली कि ट्विटर एक माध्यम है जिस माध्यम से आप अपनी बातों को सरकार तक रखते हैं और सरकार के द्वारा आपको रिप्लाई किया जाता है तब जब आप ज़्यादा संख्या में उनसे ये प्रश्न पूछते हैं। एक ही प्रश्न को ज़्यादा संख्या में अगर पूछा जाए तो सरकार ये बाध्य होती है आपको आंसर करने के लिए। तो ये ट्विटर एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। ये बात मुझे कब पता चली, देखिए हाल ही में आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत के केस को, तो जैसा अभी कुछ दिन पहले हैशटैग CBI SSR के द्वारा हैशटैग वॉरियर्स SSR ये इस तरीके से करके बहुत सारे हैशटैग चलाए गए, बहुत सारे कैंपेन चलाए गए जिसके द्वारा अब सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है काफ़ी हद तक हम लोग न्याय के करीब पहुंच चुके हैं। तो ये जनता की ही आवाज़ है जो एक ज़ोरदार तरीके से रखी गई, देश विदेश के सारे लोग जो हैं इसके साथ कनेक्ट हुए और अपनी बातों को रखे, अपनी बातों को उन तक पहुंचाएं। तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि अगर इस तरीके से हम लोग अपनी बात को रखते हैं तो सरकार हमारी बात ज़रूर सुनेगी। और ये हमारे जो प्रश्न हैं कि JSSC CGL की एग्ज़ाम डेट कब आएंगे, JPSC का नोटिफिकेशन कब आएगा या झारखंड में अन्य सरकारी जो वैकेंसी है, जो सरकारी नौकरियाँ हैं जिसके लिए वैकेंसी आती है तो उसके लिए वैकेंसी कब आएगी, तो ये सब कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जिसका उत्तर हम लोगों को
जानना है जो आप हमसे पूछते हैं, तो अब हम लोग मिल करके सरकार से पूछेंगे। इसके लिए मैंने एक कैंपेन चलाया है। इस कैंपेन में मुझे आप सभी के समर्थन की ज़रूरत है, और ये समर्थन मैं आपसे कोई भीख नहीं मांग रही, और ये आपको कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि आपके प्रश्न हैं, आपको जानने हैं। मुझे इन सब बातों से क्या मतलब है, मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन बहुत सारा है। JSSC की तैयारी नहीं कराऊंगी, बिहार की तैयारी कराऊंगी, बिहार दरोगा की तैयारी कराऊंगी जिसके फॉर्म आ रखे हैं, BPSC की तैयारी कराऊंगी। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जुड़ जाएंगे, एक प्रयास तो करना है, क्योंकि आप सभी भी तो मेरे साथ जुड़ गए थे। जब मैं JSSC की तैयारी ख़त्म हो जाएगा करा दूंगी, उसके बाद मैं NSTED की तैयारी कराऊंगी, तो इन सब बातों से मुझे क्या मतलब है कि आप एग्ज़ाम डेट कब आएंगे। एग्ज़ाम डेट लेट से आएंगे तो मुझे फ़ायदा ही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी समस्या को अपनी समस्या बनाना। तो इस समस्या को अपनी समस्या बनाते हुए मैं अपनी आवाज़ जो है आपके साथ मिलकर के तेज करना चाहती हूँ, और सरकार के पास ये पूछना चाहती हूँ इन सारे प्रश्नों को। तो जो भी मेरे मित्र खास करके ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, तो वो एक्टिव हो जाएं। देखिए मेरे दोस्त, आप सभी को मैं कभी भी ये नहीं, आप मुझसे जुड़े हुए हैं, आपके सेंटिमेंट के साथ मैं जुड़े हुई हूँ, तो आपसे मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप मुझे पे कीजिए मेरे वीडियोस के लिए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स की तरह मैं आपको सारे वीडियोस जो आप देते रही हूँ, ताकि आप गांव में घर में बैठे आप अपनी तैयारी करते रहें। मैंने आपसे कभी यह प्रेशर नहीं दिया कि आप मेरे चैनल को के वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि मेरे व्यूज़ बढ़ें। मैंने आपसे कभी ये नहीं कहा कि आप मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ा दीजिए। आपसे मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरे चैनल को के वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि मैं हमेशा आपके साथ जुड़ी रही शुरू से लेकर के अब तक। जब आप दो लोग भी देखते थे तो भी उसी मेहनत के साथ मैं क्लासेस लेती थी, और आज इतने हज़ार लोग जुड़े हुए हैं तो भी मेरा प्रयास उतना ही होता है। हर समय मैंने अपना 100% दिया, मैंने गिनती कभी नहीं की। लेकिन आज का जो समय है, जो ट्विटर पे मैं चाहती हूँ प्रश्न रखना, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप सभी साथ दें। यहाँ साथ देना इसलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि यहाँ एक नियम है कि जब तक आप ज़्यादा संख्या में अपनी आवाज़ को नहीं रखते हैं, तब तक आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। अगर मैं रखती हूँ तो कोई नहीं जानता है कि कौन है स्टडी विथ स्मृति चैनल, या कौन है जो इस तरीके से पूछ रहा है। लेकिन आप जब सब मिल करके एक साथ एक स्वर में अगर अपनी बात पूछेंगे तो रिप्लाई ज़रूर आएगा, आपके प्रश्न ज़रूर सॉल्व होंगे। दिन रात आपने एक कर दिया है अपनी पढ़ाई में, अपनी तैयारियों में, दिन रात आपने एक कर दिया है अपनी तैयारियों में, अपनी पढ़ाई में, तो हम मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। ये टाइम चाहिए बस इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आपका ट्विटर अकाउंट ना हो। देखिए इसमें कोई खर्च नहीं आता है। मुझे ऐसे भी मैसेज मिले हैं कि क्या मैम इसमें पैसा लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है, आपके जो स्मार्टफोन है उसी से ये काम हो जाएगा। आप ट्विटर पे एक अकाउंट बनाइए, और उसको उस अकाउंट को किस तरीके से बनाना है मैं बताऊंगी आपको। मुझे पता है कि आपको बहुत सारे मेरे मित्र हैं जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी, तो इसके लिए भी मैंने पूरा तैयारी कर रखा है कि आपको मैं बताऊंगी किस किस तरीके से आप ट्विटर पे अकाउंट बनाएंगे। और ट्विटर पे आप अकाउंट बनाएं और आप मेरे साथ जुड़ जाएं, मेरे जो ट्विटर अकाउंट है उसको फॉलो करें। जिस दिन ये फॉलोअर 5000 से 10000 के बीच में आ जाता है, तो उसी समय में हम लोग अपने कैंपेन को एक आवाज़ देंगे और आवाज़ पहुंचाएंगे गवर्नमेंट तक, ताकि गवर्नमेंट जो है वो बाध्य हो जाए हमारे मैसेज के रिप्लाई करने का। तो इसके लिए मैं उम्मीद करूंगी कि आप सभी मेरा साथ देंगे, और ख़ास करके महिला दोस्त मेरे मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं। मैं आप सभी से विनती करती हूं मेरे मित्र कि आप सभी इस कैंपेन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आप देखें, जानें, समझें इन सारे चीज़ों को, कैसे अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ उठाई जाती है। अब तक आपने घर में ये प्रयास किया होगा, आज अब सरकार से अपनी बातों को मांगिए। आप सभी को 50% रिजर्वेशन है झारखंड में, और आप सभी के काफ़ी हद तक जो समस्या है, चाहे इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो या अपने अस्तित्व को लेकर जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो सारी समस्या जो है आपकी सॉल्व हो जाएगी एक ट्वीट से। एक छोटा सा ट्वीट करना है,
मैं आप सभी मेरे पे विश्वास रखें, ऐसा कंटेंट मैं अगर तैयार करूंगी कि आप सबके जो समस्या है उसमें शामिल होगी। मैं सरकार विरोधी नहीं हूँ, मैं हमेशा सरकार के उन सारी नीतियों का सपोर्ट करती हूँ जो लोक कल्याणकारी राज्य के लिए उनके द्वारा बनाए जाते हैं, चाहे वो सरकार केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। मैं हमेशा सरकार के हर एक कदम के साथ हूँ, मैं सरकार का समर्थन करती हूँ। और आज अगर कोई उनके पास कोई समस्या है, कोई परिस्थिति है जिसके कारण ये सारी वैकेंसी में लेट हो रही है, तो मैं उस परिस्थिति को अच्छी तरह से समझूंगी और मैं आप तक उस परिस्थिति को पहुंचाऊंगी। मैं बताऊंगी आपको कि देखिए सरकार की अभी ये परिस्थिति चल रही है, अभी समय अच्छा नहीं है, कुछ दिनों के बाद हम लोग फिर ट्राई करेंगे, लेकिन कुछ तो रिप्लाई आएगा। मैं हर एक परिस्थिति के सरकार के साथ हूँ हर समय में। तो आप सभी को ट्विटर पे किस तरीके से अकाउंट बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ इसी चैनल, मतलब अभी इसी वीडियो में। आप मेरे इस वीडियो को देखिएगा कंटिन्यू, आपको ये बात पता चलेगी कि किस तरीके से आपको अकाउंट बनाना है, तो आप इस चीज़ को देखिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपना ट्विटर का अकाउंट बना सकते हैं और हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हमारा चैनल स्टडी विद स्मृति अब ट्विटर पर भी है और आप उसको फॉलो कर सकते हैं अपना ट्विटर अकाउंट बनाने के बाद। तो मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ कि कैसे आप अपना ट्विटर का अकाउंट बना सकते हैं और हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे एक गूगल क्रोम ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद आप वहाँ लिखिए twitter.com। twitter.com लिखने के बाद एक स्क्रीन ओपन होगी जहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, साइन अप और लॉगिन। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे और साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना नाम, फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस देना होगा। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे देखूँ तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल रही हूँ और अपना नाम डालने के बाद मैं यहाँ पे अपना ईमेल यूज़ करूँगी। आप चाहें तो अपना फ़ोन नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना ईमेल यूज़ कर रही हूँ। ईमेल डालने के बाद आप अपना वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ईयर, मंथ और डे के फॉर्मेट में और इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। वापस से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ साथ हम यहाँ पे एक साइन अप बटन आएगा, उस साइन अप बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट विंडो खोलेंगे। नेक्स्ट विंडो जब खुलेगी तो वहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड का ऑप्शन रहेगा। ये वेरिफिकेशन कोड आपने जो फ़ोन नंबर दिया है या आपने जो ईमेल आईडी वहाँ पे दी है वहाँ पे आपको आया होगा। तो मैं अपने मोबाइल पे अपना ईमेल चेक कर रही हूँ और मोबाइल पे चेक करने के बाद मैं यहाँ पे मुझे एक वेरिफिकेशन कोड आया है और मैं वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे डाल रही हूँ। इस वेरिफिकेशन कोड को डालने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी। फिर मुझे यहाँ पे वो एक पासवर्ड ऑप्शन देंगे, पासवर्ड चूज़ करने का ऑप्शन देंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड डाल रही हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एग्जांपल देके दिखा रही हूँ, तो मैं ये पासवर्ड यहाँ पे डालूँगी, फिर मैं हो सकता है उसको बाद में चेंज भी कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड डाल दिया है। और उसके बाद मैं फिर से वापस से नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे मैं चाहूँ तो अपना एक प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे डाल सकती हूँ या फिर मैं अभी के लिए इसको स्किप कर सकती हूँ, छोड़ सकती हूँ, बाद में मैं इसको डाल सकती हूँ। यहाँ पे ड्रीमर यानी कि आप अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं, आपका बायो, आप क्या सोचते हैं, आपका पर्सनैलिटी कैसा है, उसके बारे में अगर आप कुछ डालना चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट विंडो पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा अपलोड कॉन्टेक्स्ट, जो भी आपके फ़ोन या
ईमेल के कॉन्टैक्ट्स होंगे वो वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं अभी के लिए तो आप इसको छोड़ दीजिए और सिर्फ अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए। आप अपनी लैंग्वेज प्रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि मैं इंग्लिश या हिंदी को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकती हूँ और नेक्स्ट विंडो पे क्लिक कर सकती हूँ। नेक्स्ट विंडो पे क्लिक करने के बाद मैं अपना इंटरेस्ट, स्पोर्ट्स, म्यूजिक या स्टडी जिसमें भी है वो यहाँ पे चूज कर सकती हूँ, या फिर मैं इसको अभी के लिए छोड़ भी सकती हूँ। ये सब क्रिएट एक प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ये होगी जो भी आपने वहाँ पे अपना नाम डाला है। और इसके बाद आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं हमारा चैनल, यानी कि स्मृति का चैनल, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्मृति ऐश्वर्य। जब यहाँ पे आप स्मृति ऐश्वर्य लिखेंगे तो आपको यहाँ पे स्मृति ऐश्वर्य बोल के बहुत सारी प्रोफाइल्स आएंगी, लेकिन जो सबसे पहली प्रोफाइल है वो हमारे चैनल की प्रोफाइल है, हमारी मैम की प्रोफाइल है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एक फॉलो बटन है, उस फॉलो बटन को भी वहाँ पे, जैसे ही आप उस फॉलो बटन को क्लिक करेंगे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे फॉलो कर सकते हैं। ये प्रोसेस आप अपने मोबाइल फोन में भी यूज कर सकते हैं, अपने यूज कर सकते हैं, अपने लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे भी इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। तो सबको मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस प्रोसेस से आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कीजिए ट्विटर पे और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपने देखा होगा इन सारे सारे ये किस तरीके से अकाउंट बनाना है और किस तरीके से आपको शामिल होना है इस कैंपेन में। और आप अभी फ़िलहाल मुझे ट्विटर पे फॉलो करेंगे और जिस दिन मैं बोलूँगी आपको कि हाँ आज हम लोग ट्वीट करने वाले हैं, तो उस दिन सब मिल करके एक साथ हम लोग उस एक साथ ट्वीट करेंगे और या मेरे ट्वीट को आप सभी रिट्वीट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस कैंपेन को आगे लेकर के चलेंगे। उम्मीद है कि गवर्नमेंट का रिप्लाई ज़रूर आएगा और काफ़ी हद तक सकारात्मक ही रिप्लाई आएगा, क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, उनके कार्य जो हैं काफ़ी सराहनीय हैं, बहुत ही पॉपुलर वो मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं और वो कटिबद्ध हैं अपने वचन में कि वो हमको नौकरी ज़रूर देंगे और हमारी समस्या जो है बेरोजगारी की झारखंड में वो सभी दूर होगी। उनके बातों में कहीं ना कहीं सकारात्मकता नज़र आती है और मुझे काफ़ी उम्मीद है अपने राज्य के मुख्यमंत्री से कि वो हम लोगों को सपोर्ट ज़रूर करेंगे और उनके पास प्लानिंग है अच्छी तरीके से। मुझे ये भी पता है कि वो नौकरी देने के लिए वो संकल्प उन्होंने ले रखा है और वो देंगे ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे दें ताकि जो स्टूडेंट हैं वो फिर से दुगुनी मेहनत करें और वो सफलता सुनिश्चित करें। बीच बीच में उन लोगों को मोटिवेट करते रहना भी सरकार की जिम्मेदारी है और अब समय आ गया है उन लोगों के हौसला को एक उम्मीद देने का। तो सरकार आपसे अनुरोध है कि आप उनकी बातों को ज़रूर सुनेंगे और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि आप ज़रूर सुनेंगे और रिप्लाई करेंगे। मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगी कि मेरा जो ट्विटर का जो अकाउंट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक में दे दूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है मैं आपको बता दूँ। देखिए, जब जहाँ पर आप टाइटल देख रहे होंगे, जो जहाँ पर मैंने लेसन या फिर वीडियो के बारे में थोड़ा सा बता रखा है, वहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस होगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो एक बॉक्स खुल जाता है, तो उस वो बॉक्स जब खुलेगा ना तो उसी में एक लिंक दिया रहेगा जो ट्विटर का लिंक होगा। तो उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो फिर वो लिंक ओपन हो जाएगा और वहाँ पर फॉलो का, जैसे कि इस वीडियो में आपको बताया गया है, वहाँ पर फॉलो का एक बटन होगा। आप उसको क्लिक करेंगे तो आप मुझे फॉलो करने लगेंगे और जब आप फॉलो करना शुरू कर देंगे आप मुझे, तो फिर आपके पास
जब मैं आपको बताऊंगी कि हाँ अब हम लोग ट्वीट करने वाले हैं तो फिर आप उसको रीट्वीट कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आएंगे, क्योंकि आपकी जो संख्या है ना, वही आपके प्रश्नों का समाधान है। अगर आप अधिक संख्या में अपने प्रश्न को रखते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो आपके समाधान ज़रूर होंगे। अगर संख्या कम हो जाती है तो चांसेस कम हो जाते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि इस कैंपेन को सक्सेस करना, तो फिर आप ज़रूर जुड़िए इस कैंपेन के साथ। धन्यवाद।